बहावलपुर वबाओं की जद में आ गया। इससे कबल कांगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। विक्टोरिया अस्पताल में जानलेवा कांगो का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। 46 साल शख्स मुश्तबा इलामास के साथ अस्पताल आया। मुतासर शख्स का डेंगू केस मनफी आने पर कांगो मुश्तबा केस डिक्लेयर किया गया। मुश्तबा शख्स में 2 मई से इलामास जाहिर होना शुरू हो गई थी। मुश्तबा कांगो केस के पेशेनजर खानिका शरीफ में जानवरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर वबाओ की जद में आ गया। ईद से कबल कांगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। विक्टोरिया हॉस्पिटल में जान नेवा कांगो का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा, विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक जान नेवा कांगो केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जब कल मरीज अस्पताल आया तो उसको डेंगू की अलामत जाहिर थी, लेकिन जब उसको डेंगू का टेस्ट लिया गया और रिपोर्ट आई नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उसको फिर किसी शक की बिना पर कांगो का केस डिक्लेयर किया गया। क्योंकि बंदा जो अस्पताल आया था जिस अलामत के साथ, उसमें वो व्यापारी था और कराची कलेक्ट व्यापारी था, क्योंकि कराची में जब वो पिछले हफ्ते मौजूद था तो वहां पर भी उसको अलामत जाहिर हुई थी, जिस पर उसने अपना इनिशियल इलाज करवाया, जिसके बाद वापस वो अपने नवाही इलाके बाबरपुर के खानका शरीफ पहुंचा। उसके बावजूद जो अलामत थी ज्यादा बढ़ती गई, उसके मसूरों पे खून और बुखार की जो अलामत थी उसमें शिदत आई, जिसके बाद वो कल विक्टोरिया अस्पताल आया और टीबी माहरी ने जब उसकी अलामत की बिना पर उसका डेंगू टेस्ट लिया, डेंगू टेस्ट जब मकसद आया तो उसके बाद उसको मुश्तबा कांगो केस से क्लियर कर दिया गया और उसके बाद उसको आइसोलेट करके फौरी तौर पर उसके जो खून के नमूने हैं उनको लाहौर भिजवा दिया गया, ताकि कांगो वायरस की जो कंफर्मेशन है वो की जा सके। मरीज इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है, उसकी जो अलामत है उनमें कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन उसकी जो प्लेटलेट्स है वो थोड़े से कम होना शुरू हुए हैं। इससे अब जाहिर लगता यही है कि कांगो वायरस है, क्योंकि अभी तक इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि नेशनल सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक भी अभी। ताहिर जोई, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक ने। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा, 46 साल शख्स मुश्तबा अलामत के साथ अस्पताल आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, अगले महीने जो है वो मुसलमान अपना सुन्नत देहनी की अदायगी करेंगे और उसके लिए जो है उन्हें मवेशी खरीदने होंगे और उसके लिए वो मंडियों का रुख जो है करेंगे, प्रचार करेंगे। तो इस हवाले से अब ईद उजा से कब जो है वो भावलपुर में कांगो वायरस के मुश्तबा मरीज की तो मौजूदगी की वजह से है कांगो अलर्ट जो है वो खतरे की घटी बन गई है। यहाँ पर 46 साल यूनिफॉर्म टेस्ट जो है उसको मुश्तबा अलामत के साथ विक्टोरिया अस्पताल लाया गया, उसका डेंगू का एंड शुभान नेगेटिव जो आने के बाद जो है उसको मुश्तबा केस जो है वो कांगो का मुश्तबा केस जो है वो डिक्लेयर किया गया और उसके मुताबिक जो है उसके मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं, मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसको नवाही इलाके खानका शरीफ के मोहल्ला कासमाबाद से ताल्लुक रखने वाला जो ये शख्स है, पिछले 25 सालों से ये मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है और अभी भी कराची की जो मवेशी मंडी है वहाँ से ये वापस आए थे, जिसके बाद इसमें ये अलामत शुरू हुई थी जहाँ उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन डेंगू के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद भी उसमें जो अलामत है वो बरकरार रही, जिसमें उससे कांगों का मुश्तबा करार दिया गया और अब उसके जो इलाज है उसके मुताबिक जो है वो शुरू किया है और उसके टेस्ट जो है किए जा रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और इस हवाले से खून के नमूने हैं वो तरीके के लिए जो है वो दीगर लिबार्टियों को भी जो है वो भिजवाए गए हैं और इस हवाले से खानका शरीफ और उसके अतराफ में जो महकमा लाइफ स्टाक है उसको भी जो है मुतारिक किया गया है, उसको भी वार्निंग दी गई है, उनकी तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है कि मुख्तलिफ मवेशियों के हवाले से जो है वो उनकी। जी रजा मालिक और बहावलपुर से ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।